दिस इज मी जॉली एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु, जहां हम आपको ट्राई सिटी की बेस्ट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो आज मैं जिस प्रोजेक्ट पर आई हूं, इट्स अ वेरी अमेजिंग प्रोजेक्ट एंड मैं एक सैंपल अपार्टमेंट दिखाऊंगी आपको। तो मैं आपको सैंपल अपार्टमेंट दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट टूर कराती हूं। एक्चुअल प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन रहेगी हाई ग्राउंड रोड चंडीगढ़ हाईवे जीरकपुर। अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो सभी नेबरिंग स्टेट से आपको यहां से कनेक्टिविटी मिल रही है, फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा या फिर दिल्ली हो, सारी जगह से यहां का एक्सेस रहेगा। विद दैट, अब मैं नियर बाई हॉटस्पॉट्स एंड प्लेसेस की बात करूं तो जितने भी मेजर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैं, सबके सब प्रोजेक्ट से 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर रहेंगे। सो ये है आपका पूरा प्रोजेक्ट जो कि 3 एकड़ के एरिया में बना हुआ है एंड ये फेज 1 एंड फेज 2 में बना हुआ है, जिसमें कि फेज 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है एंड फेज 1 जो था वो 3 BHK अपार्टमेंट्स थे उसमें, जिसमें कि फैमिलीज ऑलरेडी मूव इन कर चुकी हैं एंड यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं। एंड जो फेज 2 है, जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट है, ये 4 BHK अपार्टमेंट्स रहेंगे। एंड अब मैं यहाँ की बेसिक फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज की बात करूँ तो प्रोजेक्ट में आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको यहाँ पे क्लब हाउस मिल रहा है, आपको यहाँ पे किड्स प्ले एरिया मिल रहा है, ग्रीन एरिया मिल रहे हैं, पार्क्स मिल रहे हैं। सो एवरीथिंग, बेसिक फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज में सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। विद दैट, आपको यहाँ पे कमर्शियल एरिया मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आपकी रहेंगी डेली नीड की शॉप जो कि प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ ही रहेंगी, तो इसमें आपके सारी ज़रूरत का सामान मिलेगा। तो अब मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है, अब मैं आपको बिना देरी करते हुए सीधा सैंपल अपार्टमेंट लेके चलती हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं आ गई हूँ सैंपल अपार्टमेंट के बाहर। ये रहेगा आपका सैंपल अपार्टमेंट जो कि है आपका 4 BHK अपार्टमेंट। ये रहेगी मेन एंट्रेंस, जिसके साथ साथ आपको एक और एंट्री भी मिल रही है। जी हाँ, इस अपार्टमेंट में मिल रही है आपको ड्यूअल एंट्री, विच इज वन इज दैट एंड सेकेंड वन इज दिस। साथ ही साथ एक फ्लोर पर सिर्फ एक ही अपार्टमेंट रहेगा एंड इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ 12 अपार्टमेंट्स हैं। आपको एक्सेस करने के लिए एक लिफ्ट दी जा रही है, विद दैट स्टेयरकेस रहेंगी। तो अब बिना इंतजार करते हुए हम सीधा चलते हैं अपार्टमेंट के अंदर। Okay guys, so I must say one thing. What a beautiful sight it is. Drawing area देखिए कितना amazing दिख रहा है ये। यहाँ पे golden and cream theme use की गई है, बहुत ही pretty look आ रहा है इस drawing area का, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे black इन्होंने couch लगाए हुए हैं, वहाँ पर इन्होंने cream color के couch लगाए हुए हैं, कितना अच्छा combination है ये। तो guys, ये रहेगा आपका drawing area जिसका size रहेगा, drawing and dining combined आपका रहेगा 14x33 square feet का। बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पे, मूविंग का मूवेबल बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पे, मूवमेंट आपकी अच्छे से इजिली रहेगी यहाँ पे। विदाउट, यहाँ पे तो अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 सीटर लगाया हुआ है, बट अगर आप चाहें तो अगर एल शेप सोफा अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे आसानी से 9 से 11 सीटर लग जाएगा। विदाउट, आप पीछे देख सकते हैं, ये रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस, जिसका मतलब है कि आपके ड्राइंग एरिया में वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं रहेगा और हमेशा नेचुरल लाइट एंड नेचुरल एयर आती रहेगी। विद दैट, यहां पर रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग एंड ड्राइंग एरिया के बिल्कुल साथ ही रहेगा आपका डाइनिंग एरिया। सो टाडा, दैट्स योर डाइनिंग एरिया। काफी रॉयल एंड काफी ज्यादा बड़ा डाइनिंग एरिया इन्होंने दिया हुआ है। यहां पर इन्होंने 8 सीटर डाइनिंग टेबल लगाई हुई है, उसके बाद भी आप मूवमेंट का स्पेस देखिए, कितना ज्यादा स्पेस है यहाँ पर, कितना ज्यादा स्पेस छूटा हुआ है। विद दैट, यहाँ पर स्पेस है, इस तरफ स्पेस है, सो यू हैव एम्पल स्पेस ओवर हियर। इट्स अ वेरी लग्जीरियस अपार्टमेंट। आपको ड्राइंग और डाइनिंग एरिया देखकर ही आइडिया लग गया होगा कि कितना प्यारा डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया है, तो अपार्टमेंट तो और भी ज्यादा प्यारा होने वाला है। सो गाइस, दिस वाज योर डाइनिंग एरिया, जिसके साथ साथ यहाँ पर रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग एंड इसके पीछे आपको एक और बालकनी मिल रही है। जी हाँ, आपके डाइनिंग एरिया के लिए यहाँ पे प्राइवेट बालकनी मिल रही है, सो दिस विल बी द बालकनी ऑफ योर डाइनिंग एरिया। ओके, सो दिस इज वंडरफुल, यहाँ पर आपको मिल रहा है एक बार एंड दिस इज नॉट अ मिनी बार, दिस इज योर फुल फ्लेज्ड प्रॉपर बार। काफी बड़ा आपको बार मिल रहा है यहाँ पर, नाइस, आई लाइक इट। दिस होम इज अ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ एलिटनेस। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ड्रिंक्स कर सकते हैं, अमेजिंग। सो काफी ज्यादा बड़ा आपको यहाँ पे बार मिल रहा है। ये थी आपका डाइनिंग एरिया, विदाउट आपके वहां पर था ड्राइंग एरिया
And now, next we have family lounge. Let's go over there. Okay guys, so this is your family lounge. यहाँ पर आप अपने family and friends के साथ बैठकर time spend करेंगे. Drawing area रहेगा आपके completely guest के लिए और ये area रहेगा आपके close friends and family के लिए. With that, इस wall पर रहेगा LED panel का space, जिसके साथ साथ रहेगी ऊपर AC की ducting. And over here, we have the common washroom, जिसे आप drawing, dining and family lounge से access कर सकते हैं. So guys, this is the common washroom. पीछे विंडो देख रहे हैं आप, ये रहेगी आपकी वेंटिलेशन के पर्पस के लिए. विद दैट, जैसे आप ये वॉशरूम देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी. सेम आपकी वॉल की टाइलिंग रहेगी, सेम आपकी फ्लोर की टाइलिंग रहेगी. विद दैट, पूरे वॉशरूम में प्रीमियम फिटिंग्स यूज की गई हैं. नेक्स्ट, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. सो गाइज, सरप्राइज इज दिस एरिया. जी हाँ, आपको कॉमन वॉशरूम के बिल्कुल साथ मिल रहा है ड्रेसिंग एरिया, जिसमें रहेंगी आपकी स्लाइडिंग कबर्ड्स. वैसे तो इन्होंने इसे ड्रेसिंग एरिया बनाया हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है आपको. बट अगर आप चाहें तो इसे एज अ स्टोर रूम भी यूज कर सकते हैं. चॉइस इज योर्स. सो गाइस, मैंने आपको फैमिली लाउंज एरिया दिखा दिया है, डाइनिंग एरिया दिखा दिया है, ड्रॉइंग एरिया दिखा दिया है. अब हमारी बारी है किचन देखने की, चलते हैं. Okay guys, so this is your modular kitchen of your 4 BHK apartment. पूरे अपार्टमेंट की तरह आपको किचन भी बहुत ही लग्जूरियस मिल रही है. इसका साइज रहेगा 16x12 स्क्वायर फीट का. कैन यू इमेजिन, आपको 16x12 स्क्वायर फीट के साइज में किचन मिल रही है. जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं इस साइज में, वो आपको मास्टर बेडरूम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किचन मिल रही है इतने बड़े साइज में. आप खुद ही देख सकते हैं कितनी ज्यादा रॉयल एंड कितनी ज्यादा बड़ी किचन है यहाँ पे. साथ में आप जो ये कैबिनेट्स देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बोथ अपर एंड लोअर. सभी के सभी जो कैबिनेट्स हैं, वो आपके हाइड्रोलिक ओपनर्स के साथ रहेंगे. विद दैट, सॉफ्ट क्लोजर के साथ भी रहेंगे. एंड आपको यहां पर चिमनी भी प्रोवाइड की जा रही है. विद दैट, ये रहेगा आपके हॉब का स्पेस. एंड दिस इज योर वॉशिंग एरिया. यहां पर रहेगा आपका वेट सेक्शन, जहां पे आपको ड्यूअल सिंक दे रहे हैं. With that, पीछे आपके वेंटिलेशन पर्पस के लिए काफी बड़ी विंडो भी प्रोवाइड की जा रही है. अगेन, यहाँ पर भी स्टोरेज एरिया है. ओके गाइस, लुक एट दिस एरिया. यहाँ पर इन्होंने दो चेयर लगा रखी हैं, जिसका मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे गर्मा गर्म खाना बनेगा और आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत सर्व किया जाएगा. आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट खा सकते हैं तुरंत के तुरंत. वेरी अमेजिंग, मुझे ये किचन बहुत ज्यादा पसंद आई. इट्स अ वेरी ह्यूज किचन एक्चुअली. इतनी बड़ी किचन आपको किसी और प्रोजेक्ट में नहीं मिल रही है. एंड विद दैट, लुक एट दिस एरिया. यहाँ पर आपको पूजा स्पेस दिया गया है. यहाँ पर आप एक मंदिर बना सकते हैं, भगवान रख सकते हैं, जिससे कि आपके पूरे अपार्टमेंट में पॉजिटिव वाइब्स बनी रहेंगी. ओके गाइस, सो अब मैं आ गई हूँ आपके बेडरूम नंबर 1 में. सो दिस इज योर बेडरूम नंबर 1, जिसका साइज रहेगा 16x12 स्क्वायर फीट के साइज में. इट्स अ वेरी ह्यूज रूम, आप खुद ही देख सकते हैं. मूवमेंट का बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है यहाँ पर. इस वॉल पर रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग एंड एलईडी पैनल का स्पेस. विद दैट, यहाँ पर आपको मिल रही है फुल वॉल लेंथ कबर्ड. जी हाँ, ये स्लाइडिंग डोर्स के साथ कबर्ड रहेगी. वाओ, काफी अच्छी कबर्ड है एंड स्टोरेज के लिए बहुत अच्छी कबर्ड है. आपका पूरा सामान इसमें आसानी से स्टोर कर सकते हैं आप. ये आपके अपार्टमेंट में इंक्लूडेड रहेगी. इनफैक्ट पूरे रूम्स में आपको कबर्ड्स मिल रही हैं. विद दैट, ये रहेगी आपकी वॉशरूम नंबर 1. ये बेडरूम नंबर 1 की वॉशरूम रहेगी. जैसे आप इसे देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी. सेम आपकी फ्लोर की टाइलिंग रहेगी, सेम आपकी वॉल की टाइलिंग रहेगी. विद दैट, वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपको एग्जॉस्ट फैन का स्पेस मिल रहा है एंड विंडो मिल रही है. साथ ही साथ पूरे वॉशरूम में प्रीमियम फिटिंग्स रहेंगी. एंड यहाँ रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस. मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इन टोटल इस अपार्टमेंट में आपको 4 बालकनीज मिल रही हैं. एंड मैंने आपको बेडरूम नंबर 1 दिखा दिया है. अब हम चलते हैं बेडरूम नंबर. ओके गाइस, सो दिस इज योर बेडरूम नंबर 2. एंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस अपार्टमेंट में आपको ड्यूअल एंट्री मिल रही है. सो सेकेंड एंट्री इज दिस. तो यहाँ इस रूम सेकंड जो बेडरूम है, उसमें आपकी सेकंड एंट्री रहेगी, सेकंड गेट रहेगा. विद दैट, ये रहेगा आपका पूरा रूम, जो कि आपका 14x10 स्क्वायर फीट के साइज में रहेगा. आप चाहें तो इस रूम को एज अ ऑफिस स्पेस यूज कर सकते हैं या एज अ गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं. विद दैट, इसमें रहेगी आपकी अटैच्ड वॉशरूम. सो दिस विल बी द वॉशरूम. एंड यहाँ पर भी आपके रहेगा बालकनी का एक्सेस. ये बालकनी आपके फर्दर रूम नंबर 4 की भी कॉमन बालकनी रहेगी. एंड नाउ Let's go to our room number 3. Oh my god, this is royal.
Okay, so guys, this is your room number 3, which looks very royal, very sophisticated. Look at this bed. ये सच्ची लग रहा है कि ये किसी किंग का बेड है. ये बहुत ही प्रिटी बेडरूम है. काफी अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है. काफी अच्छा फर्नीचर यूज किया गया है. एंड अगेन आप देख ही सकते हैं, साइज तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है इस रूम का. आपको काफी ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट का स्पेस मिल रहा है. तो ये जो आपका रूम रहेगा, इसका साइज रहेगा आपका 15x12 स्क्वायर फीट. विद दैट इस वॉल पे रहेगा आपकी LED, यहाँ पे रहेगा आपका LED का स्पेस, जिसके ऊपर रहेगी आपकी AC की डक्टिंग. एंड यहाँ पर भी आपको मिल रही है बालकनी. सो दिस इज दी बालकनी. ये आपकी कॉमन बालकनी नहीं रहेगी, ये आपकी प्राइवेट बालकनी रहेगी. जी हाँ, आपको ज्यादातर जगह पे तो यहाँ पे प्राइवेट बालकनीज ही मिल रही हैं. सो दिस विल बी द बालकनी. एंड जो पूरे अपार्टमेंट में जो विंडोज पे जो ग्लासेस यूज किए गए हैं, वो सारे के सारे UPVC टफन ग्लासेस रहेंगे, जो कि साउंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ रहेंगे. विद दैट यहाँ पर इन्होंने एक काउच भी लगाया हुआ है. बट आप चाहें तो यहाँ पे एक कम्प्लीटली एक बड़ा सा सोफा भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा स्पेस है इस पूरे रूम में. तो आसानी से आपका सोफा यहाँ पे फिट हो जाएगा. ओके गाइस, तो ये रहेगा आपका ड्रेसिंग एरिया. रूम में आपको सेपरेट ड्रेसिंग एरिया दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको एक कबर्ड मिल रही है. ये बहुत ही प्रिटी कबर्ड है. फुल वॉल लेंथ कबर्ड आपको प्रोवाइड की जा रही है, एंड काफी बड़ी कबर्ड है. इसमें आपका सारा सामान बहुत ही आसानी से आ जाएगा. तो ड्रेसिंग एरिया के बिल्कुल साथ ही रहेगी आपकी वॉशरूम. सो गाइस, दिस इज दी वॉशरूम. ये जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी. सेम आपकी फ्लोर की टाइलिंग रहेगी, सेम आपकी वॉल की टाइलिंग रहेगी. विद दैट वेंटिलेशन पर्पज के लिए आपको विंडो भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कि एग्जॉस्ट फैन का भी स्पेस रहेगा. साथ ही साथ यहाँ पे गीजर का प्रोविजन भी है. सारे वॉशरूम में गीजर का प्रोविजन रहेगा. ओके गाइस, सो दिस वाज योर रूम नंबर 3. आपको ये अपार्टमेंट कैसा लग रहा है? खैर, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ये अपार्टमेंट. इट इज अ अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट. बहुत ही प्रिटी अपार्टमेंट है. और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. आखिर उन्हें भी तो अच्छे घर दिखने चाहिए. एंड माय चैनल प्राइस सिटी प्रॉपर्टी गुरु को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो मैंने आपको रूम नंबर 3 दिखा दिया है, रूम सारे रूम्स दिखा दिए, ड्राइंग एरिया दिखा दिया है, फैमिली लाउंज दिखा दिया है, सब कुछ दिखा दिया है. अब बारी है हमारे रूम नंबर 4 की. सो लेट्स गो ओवर देयर. ओके गाइस, सो दिस इज योर फाइनल बेडरूम. दैट इज योर फोर्थ बेडरूम. दिस विल बी द बेडरूम जिसका साइज रहेगा आपका 16x11 स्क्वायर फीट के साइज में. यू आर गेटिंग अ वेरी ह्यूज बेडरूम ओवर हियर. काफी अच्छा स्पेस है यहाँ पे. आप खुद ही देख सकते हैं, मूवमेंट का बहुत अच्छा स्पेस है. इनफैक्ट बेड लगाया हुआ है, किंग साइज बेड लगाया हुआ है. उसके बाद भी दोनों तरफ बहुत अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है. यहाँ पर अगर आप चाहें, यहाँ पर इन्होंने एक सिंपल एक कबर्ड लगाई हुई है, मिनी कबर्ड लगाई हुई है. बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं, चेयर लगा सकते हैं, क्योंकि काफी सारा स्पेस बच रहा है, तो आप उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. विद दैट यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको ये कबर्ड रहेगी. ये फुल वॉल लेंथ कबर्ड रहेगी, एंड सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी. इसमें स्लाइडिंग डोर्स रहेंगे. काफी अच्छे साइज की आपको कबर्ड मिल रही है, जिसमें कि आपका सारा सामान आसानी से आ जाएगा. एंड कबर्ड के बिल्कुल साथ ही रहेगी आपकी वॉशरूम. सो लेट्स गो ओवर देयर. ओह माय गॉड, वंडरफुल. यहाँ पर आपको काफी ज्यादा बड़ी वॉशरूम मिल रही है. देख ही सकते हैं, इट्स अ वेरी ह्यूज वॉशरूम. विद दैट आप जैसे कि इसे देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी. फ्लोर एंड वॉल टाइलिंग सेम एज इट इज रहेंगे, एंड पूरे वॉशरूम में आपको प्रीमियम फिटिंग्स मिल रही है. विद दैट यहाँ पर रहेगा आपका गीजर का प्रोविजन, एंड साथ ही साथ आपको वेंटिलेशन पर्पज के लिए यहाँ पे विंडो भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कि एग्जॉस्ट फैन का भी स्पेस रहेगा. एंड गाइस, ऑन दिस वॉल यू विल हैव द स्पेस फॉर योर LED पैनल, जिसके बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा आपका AC का डक्टिंग. विद दैट यहाँ पीछे रहेगा आपका बालकनी का एक्सेस. तो आप चलते हैं बालकनी में. So guys, this is the balcony. आपके बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 4 की कॉमन बालकनी रहेगी. आप देख सकते हैं काफी क्लीन साइज में आपको ये बालकनी मिल रही है. साथ ही साथ रेलिंग की हाइट देखिए आप, काफी गुड हाइटेड आपको रेलिंग प्रोवाइड की जा रही है. विद दैट यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी बनाया हुआ है. दैट मीन्स यू हैव एम्पल स्पेस इन दिस बालकनी. एंड कम ओवर हियर, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ. ये देखिए, ये जो आपकी बालकनी है, ये आपके बेडरूम नंबर 4 के पूरे सराउंडिंग रहेगी, जिसमें कि आपको पीछे तरफ से मिलेगा पार्क का व्यू. तो यहाँ पर आपका रहेगा पार्क, एंड ये रहेगा आपकी बालकनी का व्यू. बहुत ही अच्छा व्यू रहेगा ये, एंड बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही अच्छी बालकनी है ये. So guys, this was all about this 4BHK apartment located in Zirakpur. आपको ये apartment कैसा लगा, हमें comments करके जरूर बताइएगा. अब अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे ये apartment
बहुत ज़्यादा पसंद आया है. इट्स अ वेरी लग्जीरियस एंड वेरी ब्यूटिफुल अपार्टमेंट. बट अदर देन दीज बेसिक पॉइंट्स, यहाँ की कुछ और खासियत है एंड वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो ये जो 4 BHK अपार्टमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपार्टमेंट इन होल ऑफ ट्राई सिटी. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर वर्टिकल कोठीज का स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, यानी कि एक फ्लोर पर सिर्फ एक ही अपार्टमेंट रहेगा, एक ही कोठी रहेगी, वो होगी आपकी. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर ये जो लोकेशन है प्रोजेक्ट की, ये जीरकपुर की वन ऑफ द ग्रीनेस्ट एरिया में लोकेटेड है, यानी कि यहाँ पर आपको इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा. एंड लास्ट एंड मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज पोजेशन. यहाँ इस अपार्टमेंट की पोजेशन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने में मिल जाएगी. आपको पोजेशन का ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सो गाइज, अगर आप इस अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, आप इसे विजिट करना चाहते हैं या इसे खरीदना चाहते हैं, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर हमें कॉल कीजिए. हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एंड आपको यहाँ पर विजिट पर लाएगी. एंड इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.